हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्किटेक्ट क्लासेस। देखो पिले, लास्ट क्लास हम कौन कले जो हमरो वन मार्क क्वेश्चन चलता पे तार क्वेश्चन नंबर 1 टू 10 सरी इतला हमरो हां कि नहीं पे। आज हम कौन करबा क्वेश्चन नंबर 11 टू फॉर द क्वेश्चंस करबा पे, ठीक अछि ना। देखो स्टार्ट करबे क्लासटा, वन मार्क क्वेश्चन चल छि पिले। ओके, क्वेश्चन देखो स्टार्ट करबा। क्वेश्चन नंबर 10 हमरो सरी इतला पिले, 11 नंबर रु स्टार्ट करछि। जिमि तुम कहिथिले पिले सीक्वेंस चल छि क्लास जगह हमरो, हला आज रु तुमरो पिले फिजिक्स केमिस्ट्री भी स्टार्ट तो होगा जानी थी बोले, है ला? तो लाइन रे चलो पे प्रॉब्लम कि नहीं। ओके, तो 10 सरी जाइए पे 11 नंबर मुझे स्टार्ट कर। ओके, 11 नंबर क्वेश्चन पे क्वेश्चन देखा मुझे कौन देला, इफ आर इक्वल टू हमको डिफाइन कर एक्स कमा कौन थी एक्स क्यू थी बोले। ओके, एक्स इज ए प्राइम नंबर लेस देन टू देखिए पे 5। ओके, देन से कोची बी ए रिलेशन देन रेंज ऑफ आर पचला बेले से हम क्वेश्चन भला बुझो बेले, हला क्वेश्चन नंबर होची 11 से मो क्वेश्चन डिफाइन करची बेले जो आर रिलेशन रहे ना बेले से किमि डे डिफाइन करची जो एलिमेंट जाको थिबो से किमि रहे बेले एक्स कमा एक्स क्यू फॉर्मेट रहे बेले जे से कहला पहिले एक्स कमा एक्स क्यू फॉर्मेट रहे बा कोन दिस पहिले जो एक्स रो वैल्यू हेथिबो से मस्ट बी पॉइंट हेथि आइजो हमरो लेस देन टू हेथि बोले 5। ये होची हमर क्वेश्चन, तो जणा पड़ छै भलाबे आ से प्राइम नंबर हेथि बोले, तो लेस देन 5 रे पले प्राइम नंबर केतरे अछि, दिरे प्राइम नंबर अछि ने बोले, तो एक्स रे वैल्यू जदि कहला पले 2 हला देन एक्स क्यू इक्वल टू कोन आसीबो बोले 8 आसीबो, जदि एक्स इक्वल टू कहला पले 3 हला प्राइम नंबर दिटा गाछि पले, तो से केस रे एक्स क्यू इक्वल टू कोन आसीबो बोले 3 रो क्यू आसीबो ना 27 आसीबो बोले, तो से पचारे कौन एवं व्हाट इज द रेंज पचारा रेंज से बोले तो लिखी दूसरी ठीक रेंज से देख बोले कौन कौन एलिमेंट रोज गोटे रोज 8 रोज बोले आउ रोज 27, तो दिटा आंसर आस रहा है रेंज से कौन हम एजर रोज 8 और रोज 27 बिकज क्वेश्चन दे लेस देन 5 रो प्राइम नंबर कहला, तो जेहतु एक्स प्राइम नंबर तो दिटा पसबिलिटी मोबाइल अच्छी बोले एज 2 हो 3 हो ना तो आंसर फाइन करदे। तो क्वेश्चन नंबर 11 सरला पले एबे हमें जीबा क्वेश्चन नंबर होची 12, पूरा बेसिक क्वेश्चन पले हार्ड क्वेश्चन किछि भी नहीं हला। देखो क्वेश्चन नंबर 12 कोन अछि पले, क्वेश्चन 12 मु से कहला f(x) को से डिफाइन करूची देन से पछला फिर f(f)x कोन होबो बुझे बोला पले। देखो भाई गिवन कोन रहला पले, गिवन होची पले f(x) इक्वल टू ये क्वेश्चन देला पले 3 - x³ रो होल पावर दीजिए पिले 1/3, ठीक अच्छे ना पिले ये हमको एफ ऑफ एक्स गिवन अच्छे देन से पचारा पिले एफ ऑफ एक्स रो वैल्यू पचारा दैट मीन्स पिले से पचार एफ ऑफ एक्स रो वैल्यू कते पिले ये वैल्यू पकेबे ना तो एक होला 3 माइनस होची एक्स क्यू रो होल पावर होची 1/3 आर वैल्यू से पचारा पिले बुझा भला क्वेश्चन टाक ठीक अच्छे ना पिले। देखो तो जेहेतु एफ ऑफ ए वैल्यू पचारा पे कौन करी जो एक्स प्लस ना पे एक्स प्लस कौन करी आर वैल्यू पकड़े आईडिया हूँ तो कौन लेखा आसवे दिस इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन लिखा एक्स प्लस कौन करा पे वैल्यू पकड़ा है तो आसो 3 माइनस रहा पे एक्स प्लस कौन पड़ा बोले वैल्यू पड़ा ना 3 माइनस एक्स क्यू रोल पावर हूँ 1/3 एक्स प्लस वैल्यू पकड़ा नहीं आर पावर किए अच्छे पे 3 अच्छी तो होल पावर रे किए आसो बोले हमर 3 है देख बोले 3 रहा माइनस एक्स प्लस वैल्यू पकेली बोले वैल्यू पकेली तार होल क्यू हो गला र होल पावर रहा पे 1/3 ठीक अच्छे ना पे आपको दुटे कैनसल आउट करदेली ये 3 को 3 कैनसल हो गला हाँ कि नहीं पे दिस इक्वल टू 3 रहा माइनस भितर गुण देख बोले 3 कैनसल ना पावर 1 रहा माइनस 3 आसो प्लस पे एक्स क्यू रवर रे किए अच्छे पे 1/3 अच्छी तो ये 3 को 3 भी कैंसिल हेला पले तो एक्स क्यू रो पावर होची 1/3 तो मु लिखि परि पले एक्स क्यू रो पावर आसी 1/3 तो दिस इक्वल टू आंसर आसी पले एक्स ता माने पले एफ ऑफ एक्स जाके म डिफाइन करथला एफ ऑफ एक्स पछला पले ता वैल्यू केता आसी एक्स आंसर आसी पले तो क्वेश्चन नंबर 12 रा आंसर केता आसी हमरो एक्स आसी पले बुझिलो भला बे 11 रा आंसर आसी पले 8 कमा होची 27 एंड 12 नंबर आंसर आसू बोले एक्स बुझे फल पे जी बुझीगल मैंने टे पोज कर कॉपी कर दियो बोले आम जी क्वेश्चन नंबर 13 को। ओके भावुची पोज कर कॉपी कर
कौन कर क्वेश्चन बोले थर्टीन स्टार्ट करवा क्वेश्चन देख कौन देला एफ हम को डिफाइन कर बुझ भला भल क्वेश्चन जगह अच्छे एपर देख एफ जो डिफाइन कल ना पे देख से डिफाइन कर आर प्लस कहला पे टे भला बुझते बेले आर प्लस मीनिंग कौन आर नॉट मीनिंग कौन बोले आर प्लस मीनिंग हूँ बोले स्टार्टिंग विथ कौन हम जीरो प्लस पे जीरो को छाड़ी देखी है बाकी जो एलिमेंट नंबर अच्छे ना पे बुझ भला मैंने पे जीरो टू छाड़ी है जीरो को छाड़ी पे बाकी जहाँ भी एलिमेंट रहा अप टू हूँ इनफिनिटी जाए ये सब कौन हम पे पॉजिटिव रियल नंबर पार्ट जी जदि आम आर नॉट लिखिले बोले आर नॉट रो मीनिंग हूँ आर मीनिंग है पे आर प्लस यूनियन नंबर हूँ पे जीरो सेट ये हूँ ना पे एक कैसे कौन हम जीरो भी कौन हम पे इनक्लूड ही चलो अप टू इनफिनिटी वाला ये इनक्लूड थी बोले आर नॉट मीनिंग यहाँ भले बुझते बोले आम बहुत जगह यूज करवा पॉइंट आर प्लस मीनिंग कौन आर नॉट मीनिंग कौन आर नॉट मीनिंग हूँ बोले जीरो प्लस विथ हूँ जीरो बोले तो कनसेप्ट जो आईडिया कर तो आराम से आमको सुविधा हो पे पर सॉल्व भी करिया पे ठीक अच्छे देख तो अभी हम कहले एफ डिफाइन कर आर प्लस रु कौन देला ए देला पे ठीक अच्छे ये ए पॉइंट को जाऊँगी ए आम रेंज को जाऊँगी पे ठीक अच्छे डिफाइन बाय एफ ऑफ एक्स को डिफाइन कर देख एफ ऑफ एक्स कौन डिफाइन कला एफ ऑफ एक्स इक्वल टू डिफाइन कर नाइन एक्स स्क्वायर प्लस हो सिक्स एक्स माइनस हो फाइव ठीक अच्छे पे देन से पचारा फाइंड ए पचारा पे ए रैल्यू पचारा पे ठीक अच्छे ना इफ एफ इज बैजेटिव जब एफ टाइम बैजेटिव है देन से एफ रैल्यू ए रैल्यू पचारा पे ए मीन कौन ये को डोमेन पचारा ठीक अच्छे ना पे बुझल भल भाव तो को डोमेन टा से आमको पचारे एफ आम कौन देला पे बैजेटिव कहला बैजेटिव मीनिंग कौन पे सब जाक को डोमेन रैल्यू रेंज सहित इक्वाल थी दैट मीन बोले सी आम कौन पचारा ये रेंज ही पचारा पे बुझे भला जेहेतु एफ टा हूँ बैजेटिव पे मोस्ट भी कौन हो रेंज इक्वल टू हम को डोमेन तो से पचारा पे रेंज रैल्यू पचारा यहाँ हूँ क्वेश्चन आम अच्छा तो रेंज एवं काढ़ा पे बुझे भला तो फर्स्ट कौन कर लिखा जमीन आम आगे करूँ पे फर्स्ट मुझ वाई नहीं गली फंक्शन टाक बोले नाइन एक्स स्क्वायर प्लस हूँ पे सिक्स एक्स प्लस माइनस रहा पे फाइव ठीक अच्छे ना पे आपको जब सल्व करी देख मत वाई दरकार ना बोले मतलब रेंज दरकार अच्छी तो एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई कर दे बोले है तो किन्नी फर्स्ट सॉल्व कर दबा वाई इक्वल टू हूँ पे सेट कर दिया को ये थ्री एक्स रहा होल स्क्वायर हो पार प्लस पे टू इंटू हूँ थ्री एक्स होगा मैंने टू ए पलैसा पे ए पलैसा इंटू वन करदे बी पलैसा पे तो मत दरकार अच्छी वन स्क्वायर दरकार अच्छी माइनस वन स्क्वायर दरकार अच्छी पे माइनस कौन रहा फाइव रहा सो ए फॉर्मेट को मुझे लिखिपर पे ये थ्री एक्स प्लस वन रोची होल स्क्वायर ये माइनस वन माइनस फाइव कैसे बोले माइनस सिक्स मत एक्स दरकार ना बोले तो अनुसार वैल्यू फाइंड करी हूँ इम्प्लेस टू बोले कौन करी थ्री एक्स प्लस वन रोल स्क्वायर इज इक्वल टू आपको राइट साइड नहीं कौन आस वाई प्लस सिक्स आस हूँ इम्प्लेस टू पे थ्री एक्स प्लस वन इक्वल टू आस रूट ओवर ऑफ आसो बोले ये एक्चुअली प्लस और माइनस हवा कथा है हो था बोले ये कहला वाई प्लस सिक्स आस पे हूँ इम्प्लेस टू थ्री एक्स इक्वल टू आस पे ये कहला प्लस और माइनस रूट ओवर ऑफ हूँ पे वाई प्लस सिक्स माइनस वन आस बुझ भला पे यहाँ माइनस कौन हम ये आम वन आस ठीक अच्छे मत एक्स दरकार ना बोले तो एक्स इक्वल टू हो प्लस और माइनस रूट ओवर ऑफ रहा बोले वाई प्लस हूँ सिक्स माइनस वन बाई रहा ये आम थ्री बोले क्वेश्चन भाला बुझ बोले मत जो रेंज दरकार था फर्स्ट कौन कल एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई करदे बोले एवं आम कम कौन देख ये कौन करवा वैल्यू फाइंड करवा बोले अच्छा तो कौन कर एक्स वाई रैल्यू फाइंड करना बोले टी सैड कर दूसरे बोले ठीक अच्छे स्पेस भी मिल जाए क्वेश्चन को आसो प्रॉब्लम किसी ना ओके तो मत कौन दरकार अच्छे पे वाई रैल्यू दरकार अच्छे टी भाला बुझ पे ये जो क्वेश्चन डिफाइन कर डोमेन कौन हम पे ओनली आर प्लस बोली कहला पे जब आर प्लस डिफाइन कला मैंने ये जो वैल्यू अच्छे ना पे माइनस माइनस तो कभी हमने कहीं नेगेटिव वैल्यू पड़ा आसना ओनली पॉजिटिव वैल्यू कौन आम प्लस वैल्यू आसपे बोले लिखिदबा ये बेटर हम एज
डोमेन लिखि दियो बा एक्स कोडी को बिलोंग करछि आर प्लस रे बिलोंग करला जेहेतु बिलोंग करछि पेले सो ए केस रे पॉसिबिलिटी मु फर्स्ट देखि पेले कोन गुण हे पारे दिस वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन 0 हेथिबो y प्लस 6 रो रूट ओवर माइनस 1 मस्ट बी कोन हो पेले ग्रेटर देन 0 हो ए फर्स्ट पॉसिबिलिटी पेले दैट मींस मु लिखि पेरि पेले थी रूट ओवर ऑफ y प्लस 6 मस्ट बी ग्रेटर देन टू 1 आसीबो दैट मींस कोन पेले जदि मु स्क्वेयरिंग कर देली बोथ साइड रे तो y प्लस 6 रो जो वैल्यू अछि मस्ट बी कोन हो ग्रेटर देन टू 1 आसीबो ना पेले एटा पॉसिबिलिटी मोर अच्छा व्हिच इंप्लाइज टू पेले मु लिखि परिबि y इज मस्ट बी कोन हेतिबो ग्रेटर देन टू पेले 1 माइनस 6 दैट मींस कोन होला इथे मोर पेले y कोन हो ग्रेटर देन टू माइनस 5 आसीबो तो एटा फर्स्ट आंसर पेले मोर तो कौन देख पाइली मुठी फर्स्ट कौन कहली एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई कर देली मते रेंज दरकार अच्छे तो रेंज पे कर लेले जेहेतु एक्सटा कौन अच्छे आर प्लस रे बिलंग कला सो मस्ट बी ए वैल्यू पॉजिटिव आसीबो ता पे मु डिफाइन कर देली बेले एति क्लियर हे गेला अच्छा ये सपोज हमर इक्वेशन 1 भाबे दिता एति आंसर आसनी बेले रे नेते हम कौन रखा है पहले आउट इन सेला पहले ये जो y प्लस 6 अछि ना पहले तो जेहेतु ये रूट ओवर अछि ये मस्ट बी रियल नंबर दरकार अछि तो आउटे कंडीशन में लिखी परबा जे y प्लस 6 रो वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हे पारे पॉसिबिलिटी पे अछि पले व्हिच इंप्लाइज टू पले y रो वैल्यू मस्ट बी कोन हबो ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 6 हे पारे पले यदि याकु इक्वेशन नंबर 2 नै गेली टिके भला चेक कर पले y रो वैल्यू होची माइनस 5 रो बडो हेथिबो y रो वैल्यू पले माइनस 6 रो इक्वल हे पारे और बडो हे पारे यदि मु दिगे रियल लाइन ड्रा कर देली तो ये हला पले माइनस 6 ये हला पले माइनस 5 देखो से क्वेश्चन हम कोन कहला गोटे कंडीशन रे कहू छी पले -5 रो बड हेथिबो आ गोटे कंडीशन रे कहू छी पले -6 रो बड हेथिबो तो जे इंटरसेक्शन कर देले पले गोटे के आंसर मोर आसीबो y रो वैल्यू कोन हो पले -5 रो हे जीवो इनफिनिटी बुझा बुझ छी पले इंटरसेक्शन कर दियो हला तो ए केस रे जो आंसर आसीओ पले क्वेश्चन केते डा मोर 13 नंबर आंसर आसीओ पले लिख दु आंसर एठी डिफरेंट कलर यूज कर दो छी पले तुम बेटर आईडिया हो ओके देखो जो आंसर टा आसीओ पले आंसर आसीबो -5 कॉमा होची इनफिनिटी पले एडा ओपन ब्रैकेट रे मन रखो आंसर रे कोन करची क्लोज ब्रैकेट कर दिची बट ये ओपन ब्रैकेट रे आसीबो एटा होची आंसर पले तो ये हला कोन क्वेश्चन नंबर 13 आंसर फर्स्ट के पॉज करी कॉपी कर दियो पले तबर हमें नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा ओके बाबू जी कॉपी कर दिथियो पले ठीक अच्छे तो एबे देखो हम कोन करबा एबे स्टार्ट करिया बिल 13 नंबर सला ना 14 नंबर क्वेश्चन को जीवा राइट ना 14 नंबर क्वेश्चन देखो बे क्वेश्चन हम कोन डिफाइन करछि क्वेश्चन डिफाइन करछि पहले डिफाइन इवन एंड ऑर फंक्शन बेस इंपोर्टेंट क्वेश्चन पहले क्वेश्चन नंबर होछि 14 एडा हमरो ओके से कोन डिफाइन गला पहले फर्स्ट हमें डिफाइन करबा इवन फंक्शन पहले क्वेश्चन भला मन रखत पहले ये जो क्वेश्चन अछि ना आ फार्मूला रे क्वेश्चन भी आसुची पहले आर बेस करके थ्योरी पार्ट पढ़ु पहले तो बहुत डिफाइन करवेन फंक्शन पहले तुम कहीं भावुन पहले इवेन नंबर को डिफाइन करवेन नंबर ना पहले इवेन फंक्शन डिफाइन कला देखो डायरेक्ट आंसर पके पड़िया पहले कौन द फंक्शन इज सेड टू बी इवेन फंक्शन इफ इट सैटिस्फाए मन रखियो पहले एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू हूँ एफ ऑफ एक्स पहले कौन कहली एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू हूँ एफ ऑफ एक्स गोटे एग्जांपल दे दूची बेटर आइडिया हो बोले गोटे एक्जामपल दौर मुझे मोर कहला पे एफ ऑफ एक्स को डिफाइन कले एक्स स्क्वायर आकार रे हला मुझे कौन कह पे एफ ऑफ माइनस एक्स फाइंड कर देल ना तो से केस रे कौन हम माइनस एक्स रो होल स्क्वायर ही जीवो दैट मींस कौन पे एक्स स्क्वायर आसीबो ना तो देख पे एफ ऑफ माइनस एक्स फाइंड कले वैल्यू आसला पे एक्स स्क्वायर फॉर्मेट रे एक्स स्क्वायर मीनिंग हो पे एफ ऑफ एक्स देख कौन पाइल एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स दैट्स व्हाई हम कहि परिबे एक्स स्क्वायर इज ए इवन फंक्शन बुझे पाला बोले तो ये होची हमर मेन डेफिनेशन जदि ए स्टेटमेंट को सैटिस्फाई कला माने से कोन हो हमर इवन फंक्शन आसीओ बोले ठीक अछि पॉइंट नंबर 2 को आसीओ बोले देखो पॉइंट 2 हम कोन कहछि बोले ऑड फंक्शन बिषय कहूछि ठीक अछि ना बोले पॉइंट 2 कोन हेठी हमर बोले ऑड फंक्शन कहूछि बोले ऑड फंक्शन हम कहा कहबा जेमिति मु इवन को डिफाइन करला बोले सेमिति ऑड फंक्शन भी डिफाइन हे परिबो कोन देखो बोले एठी भी सिंपल स्टेटमेंट पले जे f ऑफ माइनस x इक्वल टू होची माइनस f ऑफ x पले देखो एठी कोन डिफाइन करिये पले f ऑफ माइनस x इक्वल टू होची माइनस f ऑफ x आप एगो एग्जांपल दे दूची पले आप जदि मु एग्जांपल देली तो कोन देखो पले आसीबो भाभी दे गो फंक्शन मु चूज करली पले से होची x क्यू चूज कर देली
यदि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब हला पले तो जणा पुरछि भला हेबे एफ ऑफ जो माइनस एक्स आसीबो से कोन हो पले माइनस एक्स रो होल क्यूब हे जीवो ना दिस इक्वल टू पले माइनस एक्स क्यूब हे गेला हां कि नै माइनस एक्स क्यूब मीनिंग कोन देखो पले माइनस रखिले एक्स क्यूब रो मीनिंग होछि पले एफ ऑफ एक्स तो आंसर आसछि पले एफ माइनस होछि एफ ऑफ एक्स देखो पले जहां हमर कंडीशन थिला एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स आगु सैटिस्फाई करला तो मु कहि परिबी एक्स क्यूब इज ए ऑड फंक्शन क्लियर ना पले भला आबे तो जो क्वेश्चन हम डिफाइन करथिला पले इवन फंक्शन कोन आ ऑड फंक्शन कोन इवन फंक्शन रो कंडीशन रहउ छी एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ऑड फंक्शन रो कंडीशन रहउ छी पले एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स पले क्लियर ना भला आबे ठीक है पॉज करी कॉपी करो तापर हम जेबा क्वेश्चन नंबर 15 को ठीक है पॉज करी कॉपी करथु पले ठीक अछि सल्ला एटा देखो पले क्वेश्चन नंबर 15 देखिबा 15 नंबर क्वेश्चन देखले कोन देछि सिदला g ऑफ x हमको डिफाइन करछि पले से पछला इज द फंक्शन इज इवन इवन मींस कोन कहले पले लिखलीडा f ऑफ - x इक्वल टू होछि f ऑफ x यदि ए फॉर्मेट रे आसीला ताले से इवन हो बले देखो फंक्शन हम कोन डिफाइन करछि पले g ऑफ x को से डिफाइन करछि जे e पावर होछि पले x प्लस ला e पावर होछि - x ये हमर फंक्शन रे बले मु चेक करबी जे माइनस एक्स पई कोन डिफाइन करछि तो देखिया पले जी ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू ई पावर होछि पले माइनस एक्स आसीबो प्लस पले ई पावर माइनस ऑफ होछि माइनस एक्स पले सो मु डिफाइन करि परबी ई पावर होछि माइनस एक्स प्लस होछि पले ई पावर एक्स हेगला ठीक चेक कर देखो पले ई पावर एक्स भी अछि प्लस ई पावर माइनस एक्स भी अछि पले दैट मींस मु लिखि परबी रे कोन हमर एटा होछि पले जी ऑफ एक्स तो जेहेतु कोन ला पले g ऑफ - x इक्वल टू g ऑफ x ला तो स्टेटमेंट हम कहि परिया पले कोन एडा हमरो इवन फंक्शन हे परछ पले तो पचला इज द फंक्शन इज इवन यस दिस फंक्शन इज इवन आंसर आसी पले यस ठीक अछि ना पले तो आदरा कोन ला इठे हमरो क्वेश्चन नंबर पले 15 बि सल्ला हला एबे हम कोन करिया पले क्वेश्चन नंबर 16 को जिबा ठीक अछि ना पले फर्स्ट के पोस्ट के हम कॉपी करथो पले ओके भाउ छी कॉपी कर दिथिबो देखो 16 नंबर क्वेश्चन हम कोन गो छे इज द फंक्शन ओटे फंक्शन हम को डिफाइन कर छिले से पछला इनवर्टिबल बुझो बिले भला बे व्हाट इज इनवर्टिबल जो फंक्शन रे कहला पले इनवर्स एग्जिस्ट करिवो ताकम को गया पले इनवर्टिबल कहबा को फंक्शन रे इनवर्स एग्जिस्ट करिवो पले जो फंक्शन कहितियो बाइजेक्टिव हेतियो बुझो भला बे फर्स्ट थीम हो छिले एटा क्वेश्चन हमर कोन 16 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट कर छिले से पछला द फंक्शन इनवर्टिबल कि नै बे फर्स्ट पॉइंट होची कोनो जो फंक्शन रो इनवर्स एग्जिस्ट करिवो से फंक्शन रा होची इनवर्टिबल बले को फंक्शन रो इनवर्स एग्जिस्ट करियो बले जो फंक्शन कहितो बले हमर बाइजेक्टिव हेतिवो जो फंक्शन रा हमर बाइजेक्टिव हबो से कोन हो बले इनवर्स एग्जिस्ट करिवो जदी इनवर्स एग्जिस्ट कला माने से हमर कोन हो बले इनवर्टिबल हबो ये होची हमर स्टेटमेंट रा बले एबे देखो भला आबे फर्स्ट मु फंक्शन को डिफाइन करछु बले फंक्शन रा हेला ओइठी हमर 2x² + 5 बले तो देखो पले जेतु 2x² + 5 रहला मु चेक करबी जे ये फंक्शन रा बाइजेक्टिव कि नै अच्छा बे क्वेश्चन होछ बोले व्हाट इज बाइजेक्टिव जो फंक्शन को हेतियो बोले 1 टू 1 हेतिबो आ 1 टू हेतिबो बुझले बोला बे देखो पूरा इंटरलिंक होछ बोले फर्स्ट होछ इनवर्टिबल बोले ये इनवर्टिबल होबा पई फर्स्ट कंडीशन कोन बोले हमर इनवर्स एग्जिस्ट करिया पड़िबो यदि इनवर्स एग्जिस्ट करछ बोले केतले सेई परिबो यदि ये बाइजेक्टिव हेतिबो बोले हाँ कि नहीं अच्छा बाइजेक्टिव रे कंडीशन कोन बेले ये हिथिबो 1 टू 1 हिथिबो और एंड बेले 1 टू हिथिबो तो ए तीन सो हेले कोन बसी हमर इनवर्टिबल हि परियो बुझा पड़ जे बोला बे एबे देखो बेले मु जदी शो करि पाल्ली एदर जदी एजरा पॉइंट हे गेला तो से बाइजेक्टिव हि जिवो इनवर्स एग्जिस्ट करिवो इनवर्टिबल हि जिवो बेले तो मु काम करछि फर्स्ट 1 टू 1 चेक कर दुछि बेले देखो फंक्शन फर्स्ट मु डिफाइन करली सपोज जानि छ भला बे जिमे हम क्वेश्चन जाक ऑलरेडी करि जे बेले फर्स्ट हमें चेक करिबा एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू फर्स्ट हमें एफ ऑफ एक्स टू नहीं जीबा चेक करिबा पहले एक्स वन इक्वल टू एक्स टू आस चुना नहीं तो से 1 टू 1 चेक कर दबा पहले तो कौन सा आसला 2x² + 5 इक्वल टू पहले 2x² + होची 5 बोथ साइड ऑफ 5 कैंसिल हो गेला पहले सो 2x² इक्वल टू होची पहले 2x² हो गेला बोथ साइड रे 2 भी कैंसिल हो गेला पहले सो पहले x1 इक्वल टू आसीबो प्लस और माइनस x2 पहले देखो भला है पले जेतु x1 इक्वल टू प्लस और माइनस x2 हला इट इज नॉट 1 टू 1 एटा 1 टू 1 होनि पले जदी 1 टू 1 होबनी कोन लिखि पले नॉट बाइजेक्टिव
जदि बाइडिरेक्टिव हलानी इनवर्स एडजस्ट करियो बले जदि इनवर्स एडजस्ट हले माने ये हम कोन हबो इनवर्टिबल हबो नै बले सो कोन लिखि बले हमरो नॉट इनवर्टिबल ठीक अछि नै बले तो बुझिले भला क्वेश्चन ना काहे खेलानी पले जेहेतु 1 टू 1 होउनी बाइजेक्टिव हबनी इनवर्टिबल भी हबो नै बले तो क्वेश्चन जो 16 आंसर आछो बले इट इज नॉट इनवर्टिबल ओके नै बले ठीक है पॉज करी कॉपी करा कभी तापर हमें जीबा नेक्स्ट क्वेश्चन को ओके 16 साल पहले देखो 17 नंबर क्वेश्चन हम कोन दिछि 17 नंबर को छि पहले 17 नंबर कहला f(x) हम को से डिफाइन कर छि देखो पहले f(x) हम कोन दला f(x) दे छि पहले रूट ओवर ऑफ हो छि व्हाट अ मिनट f(x) दे छि पहले हम से x क्यू दला प्लस 1 दला ओके आ कोन दे छि पहले g ऑफ x भी हमको दे छि पहले से दला sin x दला पहले ठीक अछि देन से पछला फॉग पछला पहले अरे पहले फॉग रो मीनिंग कोन फॉग ऑफ x इक्वल टू पहले f ऑफ होछि g ऑफ x हां कि नै पहले अच्छा f ऑफ त रखली पहले g ऑफ x माने कोन अछि sin x हां कि नै पहले तो दिस इक्वल टू कोन हबो फंक्शन जो f थिला त निक sin x पको पहले एठनी पके बिना पहले तो कोन आसीबो sin ऑफ sin x रो होछि पहले होल क्यूब प्लस 1 हला पहले ठीक चेक कर दबा उथरे पहले f(x) हम को डिफाइन करछि गोटे मिनट पहले एटी भूल को देखो जे g(x) हम कोन देथले पहले रूट ओवर ऑफ देछि पहले sin x तो एके से कोन पड़िबो पहले रूट ओवर ऑफ होछि sin x पड़िबो एके से कोन पहले रूट ओवर ऑफ sin x रो होइजिबो होल पावर 3 सो मु लिखि दे पहले एठी sin x रो पावर होछि 3/2 + 1 इज आवर आंसर ठीक अछि ना पहले तापर क्वेश्चन होछि पहले क्वेश्चन नंबर हला 18 से कहूछि पहले इज फॉग इक्वल टू गॉफ गॉफ फॉग सेम बोली कहूछि पहले सेम केबे होबो नै पहले काहे कि देखो गॉफ रो मीनिंग कोन पहले गॉफ माने होछि g ऑफ f(x) ओके फॉग माने कोन पहले फॉग ऑफ x रो मीनिंग होछि f ऑफ g ऑफ x पहले तो इमे आपको ग्राफिकली भी शो करना पहले टिकिया को साइड कर दूछि हला यदि मैं आपको ग्राफिकली भी शो कर ले पहले गोटे मिनट कौन देख पे आसो टे डिफाइन कर देली पहले तीन टा सेट नहीं हो पे जदि ये फर्स्ट फंक्शन है सेकंड फंक्शन है बुझ बोला पे जदि मुझे डिफाइन कर फंक्शन गफ है एफ रहा जी रहा पे जदि एक्स पकड़े मैंने ये आसो एफ ऑफ एक्स ये आसो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स आर मीनिंग इन आस पे जब ए केस मुझे चेक कलना तो से केस कौन पे फर्स्ट आसो जी फंक्शन तापर आसो पे एफ फंक्शन तो जदि मु एक्स पकेले माने ये आसीबो g ऑफ x ये आसीबो पे f ऑफ g ऑफ x दिस टू बोथ आर डिफरेंट पे आइडिया होची ना तो एक एसएम कहि परबे नि जे गॉफ इक्वल टू फॉग पे तो ए जो क्वेश्चन नंबर 18 आंसर कोन हबो नो आसीबो पे इज फॉग इक्वल टू गॉफ नो आसीबो पे ठीक होची ना ठीक है पॉज करी कॉपी कर दियो पे ओके बाबू जी कॉपी कर दिथियो पे जी पॉज कर फर्स्ट कॉपी कर दूसरे पहले तो बेटर हम ठीक अच्छे ना ओके तो ये कौन है क्वेश्चन के 18 सर पहले 19 नंबर क्वेश्चन को जीवा आम वन बाय वन लाइन रे कर पहले है कि बुझा पड़नी कह ठीक अच्छे 19 नंबर क्वेश्चन देखे कौन देखिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन गोटे से पचारा पे रेंज पचारा बुझा पाला पे अलरेडी रेंज क्वेश्चन करते हैं रेंज क्वेश्चन ए पदार्थला जो रेंज क्वेश्चन पदार्थला ये भी रेंज क्वेश्चन पचारा देख सेम फॉर्मेट आसो कौन देखा कह पे एफ ऑफ एक्स हम को डिफाइन कर रूट ओवर ऑफ दे पे 9 माइनस हूँ एक्स स्क्वायर आपको जब फर्स्ट मु वाई नहीं गली पे तो ये है रूट ओवर ऑफ हूँ 9 माइनस एक्स स्क्वायर हो गला ठीक अच्छे ना पे देख भल आईडिया कर पे जदि वाई डिफाइन कर मानने ये भैल्यू आगे प्लस रहा पे बुझ भला पे रूट ओवर रैल्यू के नेगेटिव हेनी तो बाहर जेहतु प्लस थी पे वाई सब पॉजिटिव आसो तमने इटू फर्स्ट जना पड़ी पे जो रेंज टा मस्ट भी पॉजिटिव होइथियो एटा फर्स्ट मन रखियो पे ए केस रे हमें डिफाइन करछे जे जो रेंज अछि ना पे से मस्ट भी कोन हबो गुडे पॉजिटिव रियल नंबर होइथियो पे एटा फर्स्ट पर मन रखिबा मते रेंज दका अछि पे कोन करि भले एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई अनिबी ना तो फर्स्ट स्क्वेयरिंग कर देबी बोथ साइड रे तो वाई स्क्वायर इक्वल टू होइजिबो 9 माइनस एक्स स्क्वायर सो पे एक्स स्क्वायर जदि लेफ्ट साइड आन देली आकु राइट साइड नै जो पे तो होइजिबो 9 माइनस होछि वाई स्क्वायर मत कौन दर एक्स दर कौन लिखी
प्लस और माइनस रूट ओवर ऑफ 9 माइनस वाई स्क्वायर बोले कंफ्यूज होने पे लाइक जदि रिवर्स केस जेबे ना आउथरे वैल्यू कोन आसे वाला रिवर प्लस और माइनस पर आसे बोले काहे कि ना से वाई स्क्वायर फॉर्मेट अछि बोले बुझले भलाबे ठीक से मि देखो बोले एक्स स्क्वायर फॉर्मेट थिला जदि मु एक्स फाइंड करछि माने ये प्लस और माइनस लिखि बोले मते बे दरकार नै सिरा पर दबरे बुझे दिबे बोले एति फर्स्ट काम कर देले बोले एक्स रो वैल्यू फाइंड करले इन टर्म्स ऑफ वाई रे मते बे कोन दरकार अछि वाई रो कंडीशन दरकार अछि बोले तो जानि छो भलाबे केस रे कोन होबो हियर y रे कंडीशन आसीओ बले 9 माइनस y स्क्वायर मस्ट बी कोन आसीबो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आसीओ बले सो मु लेखि परिबे y स्क्वायर माइनस 9 मस्ट बी कोन होबो बले हमरो लेस देन इक्वल टू 0 आसीओ बले y स्क्वायर माइनस 9 रो मीनिंग को देखिया पडो बले देखो y स्क्वायर माइनस 9 माने कोन बले ये होची y माइनस 9 सॉरी y माइनस गोटे मिनिट बले आकु डिफाइन कर दउछि बले y स्क्वायर माइनस होची 3 स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0 पले आरो मीनिंग होची वाई माइनस 3 गुडा आसीबो आउडा आसीबो पले वाई प्लस 3 गुडा आसीबो पले दिस वैल्यू होची लेस देन इक्वल टू 0 टिक चेक कर देखो पले आकु मु डिफाइन लिमिट करूची पले वाई माइनस ऑफ होची 3 येला पले वाई माइनस ऑफ होची माइनस 3 पले जानिचो भला पले ऑलरेडी थ्योरी पार्ट तम सरे दिजे तो ए बिसरा बेसी रिसर्च करने पले एरा जानिचो भला फोन लेखि परिबी रियल एंड ड्रा करली माइनस 3 गुडे पॉइंट आसी ताकु नले पले 3 गोटे पॉइंट नले पले मु चेक करबे जे को इंटरवल रे ये सैटिस्फाई करू छी हां गेने पले फर्स्ट चेक कर दे जदी मु 0 नेकी पके दे सपोज 0 -3 तो -3 असला 0 ये +3 जो पले तो -3 +3 नेगेटिव असछि तो ये पॉइंट सैटिस्फाई कला ठीक अछि पले जदी मु -4 नेकी पके बे थी -4 ने पके पले -4 -3 बेस पके बेटर हो -7 नला पले -4 +3 -1 पला छियो पले मल्टीप्लाई करले वैल्यू पॉजिटिव पला छियो पले मते लेस देन दरकार ना तो ये सैटिस्फाई करिवो नि बले सिमिति 4 नै पकेले सपोज 4 नै पकेलो 4 -3 होची 1 4 +3 होची 7 बले ये पॉजिटिव आछि ये म दरकार नै बले तो जण पुरछि भला वाई वैल्यू का बिते बिलोंग करियो इठि बले वाई बिलोंग करछि कोड बले हमरो वाई बिलोंग करछि कोड बले -3 रु 3 बिते बिलोंग गला -3 रु बले 3 जेहेतु लेस देन इक्वल टू थिला बले ये इंक्लूड हबो बट देखो बले क्वेश्चन हमें कौन लिखते ले रेंज मस्ट बी पॉजिटिव लिखते ले दैट्स व्हाई मु लिखि परिबे केस रे पले रेंज इक्वल टू होची 0 टू 3 क्लोज ब्रैकेट एक्चुअली आंसर कोन होबा कथा -3 टू 3 होबा कथा पले जेतु ये प्लस फॉर्मेट दे दैथिला तो गोटे आंसर कोन आसे इठी हमरो 0 टू 3 क्लोज ब्रैकेट हो पले बही देखो पले बही नै पले हमरो जो आंसर शीट दैछि सेही आंसर दे दिछि पले 0 इनफिनिट दे दिछि पले इनफिनिट होबनी पॉइंटटा 0 टू 3 क्लोज इंटरवल हो पले तो ये है कौन क्वेश्चन नंबर 19 पहले ठीक है पोस्ट की कॉपी कर दियो ओके भावुची कॉपी कर दी थी पहले अबे देखिए क्वेश्चन नंबर हो चाहे हमारा 20 पूरा इजी क्वेश्चन डबल है डायरेक्ट क्वेश्चन डायरेक्ट हमारो देखो पहले क्वेश्चन 20 हम कौन दला से पचला व्हाट इज द डोमेन ऑफ फोची एफ ऑफ एक्स पहले बा एफ ऑफ एक्स हमको डिफाइन करछि देखो पहले डायरेक्ट क्वेश्चन डायरेक्ट हमारो ये है लॉग ऑफ फोची मोड एक्स प्लस कौन दिछि पहले लॉग ऑफ दिछि एक्स से मोर एक्स थाउ बा एक्स थाउ पले जानिचो भलाबे लॉगरिथम फंक्शन रे डिफाइन करछे माने मस्ट बी से कोन हो पले 0 प्लस रे डिफाइन होबो 0 पई भी डिफाइन नै पले तो डायरेक्ट लिखि परिबी डोमेन ऑफ एफ इक्वल टू पले कोन आसी बैठे हमरो रियल नंबर सेट रो पॉजिटिव वैल्यू और आकुम डिफाइन कर परि पले 0 टू इनफिनिटी होची ओपन ब्रैकेट तमे जिमि डिफाइन करले ओके पले तो ये हैला कोन हमर क्वेश्चन नंबर होची 20 पले ठीक अछि जदी कॉपी कर फर्स्ट कॉपी कर दे एति कि ओके बिले तो आज हम कौन कले क्वेश्चन नंबर 11 रु स्टार्ट कले पले 20 जन सरी गेला ठीक अछि ना बिले नेक्स्ट क्लास कौन करबा हम क्वेश्चन 21 रु फॉर द क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया ठीक अछि ना तो आज पे दि थाउ पले ठीक अछि तो तुम डाउट जहा दि अछि बिले के कमेंट सेक्शन लेखो तो मु जानि परबि तोर किछ बुझा पुनी ता बि लेखो पले मु ता पे गोटे सेपरेट वीडियो कर दे ठीक अछि ना बिले तो आज पे दि थाउ पले थैंक यू फॉर वाचिंग।